लेकिन इस यूट्यूबिया धीरेन्द्र शास्त्री से पहले एक सवाल करना चाहिए। तो इनकम टैक्स वाले क्या पाकिस्तान से आके छापा मारेंगे? अच्छा, हमको सिखा दिया है। अमेरिका से जो गिफ्ट आओ यूट्यूब की तरफ से, अब तुम्हें हम बताई देखो काया आवागी को लोगों। यूट्यूबिया धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि राम का नहीं वो गीदड़ का है, वो फिर हमें बहुत गंदी बात आती यार, वो नक्कटा है। यानी कि मुसलमानों को नक्कटा बोल रहा है, ईसाइयों को नक्कटा बोल रहा है, बुद्धों को नक्कटा बोल रहा है, और हम जैसे लोगों को भी शायद नक्कटा ही बोल रहा होगा। लेकिन इस यूट्यूबिया धीरेन्द्र शास्त्री से पहले एक सवाल करना चाहिए कि जिसके घर में खाने को खाना नहीं था, दाना नहीं था, शुद्ध पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, एक रुपए का पार्ले जी, आप उस समय इतनी गरीबी थी कि उससे आप आए होती, हमने उसका अनुभव किया, फिर हमने अपनी ज़िंदगी में भिक्षा भी मांगी, हम अपनी ज़िंदगी में एक छप्पर में भी रहे, छप्पर की बरसात की बूंदों को भी हमने सहा, एक कपड़े में भी हमने डेढ़ महीना निकाला, हमने मजदूरी भी की, हमने पैदल चलकर 5-5 किलोमीटर जाकर के हमने सत्यनारायण की कथा बाँच करके भी अपने छोटे भाई और अपनी बहन को भोजन की व्यवस्था की, हमने अपनी माता की साड़ी के लिए भी आज अरबों की संपत्ति कहाँ से आ गई। और अब आप, मैं देखता हूँ तो आप आते हैं तो पूरा एकदम काफिला चलता है, बढ़िया फॉर्च्यूनर आती है, अभाव ही प्रभाव की जिंदगी जिला, इसकी जाँच होनी चाहिए है? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जाकर खुद इनके दरबार में नतमस्तक हो रहे हैं। एक बार पुनः जो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो आ जाएं। तो इनकम टैक्स वाले क्या पाकिस्तान से आके छापा मारेंगे? अच्छा, हमको सिखा दिया है। जिसका बारिश में छप्पर टपकता था, हम अपनी जिंदगी में एक छप्पर में भी रहे, छप्पर की बरसात की बूंदों को भी हमने सहा, आज वो आलिशान बंगलों में रहता है, महलों में रहता है, भाई कौन दे रहा है पैसा, कहां से आ रहा है पैसा, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन नहीं हो रही है। अगर मान लो इसकी बात रही शक्ति की, चमत्कार की, तो इससे टीवी चैनल वाले सुशांत सिंह जो न्यूज पाठशाला चलाते हैं, मतलब कितना झूठ बोलते हैं उसकी बात छोड़ो, खैर इनसे पूछ दिया कि हमारा नाम क्या है, आप जरा बता दीजिए ताकि सनातनियों को आप पर ज्यादा विश्वास हो जाए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने सुशांत सिंह का नाम नहीं बता पाए। इष्ट बता सकते हैं मेरा नाम क्या है? क्या आप सनातनी नहीं हैं? मैं सनातनी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि और सनातनी भी आपके आपकी इस पावर को प्रत्यक्ष तौर पर देखें। आप हमारे सम्मुख बैठिएगा जो हमको प्रेरणा लगेगी। जबकि एक जाना माना पत्रकार है, नाम सबको पता है, तो नाम नहीं बता पाए। कह रहे हैं कि आइए दिव्य दरबार में, वहीं सब कुछ बताएंगे, कृपा हो जाएगी। क्यों नहीं? क्योंकि दरबार में स्कैनर लगा है, स्कैन करेंगे, आपका नाम गाँव बता देंगे, या फिर आपका नाम और नंबर पूछ कर एक पुर्जी बनाएंगे, फिर नेट पर सर्च करेंगे, आपके परिवार की डिटेल जानेंगे और आपको बता देंगे, खतौनी निकालकर आपके परदादा का नाम बता देंगे, ठीक है, मतलब कुछ भी। सोचो टीवी चैनल पर बैठकर नाम नहीं बता पा रहे हैं, कौन से इनके ऊपर कृपा है? इनसे अच्छा तो सुहानी सा है जो मुंबई में बैठ के दिल्ली के लोगों के मन की बात बता देती है। ये लिखा कि मैं वही चीज करती हूँ जो बागेश्वर महाराज करते हैं जी, इसका क्या मतलब हुआ? वो नाम है दिव्या, दिव्या दिव्या, और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे, बहुत मतलब बचपन से टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। ओह माय गॉड, इसके अच्छा तो मंगेश देसाई है जो मुंबई में बैठकर दिल्ली के पत्रकारों के बोलने से पहले ही उनके सवाल लिख कर दे देते हैं। है? इनके ऊपर ये जो ट्रिक अपनाते हैं, जो कला अपनाते हैं, उसे भगवान की कृपा बताकर लोगों के भावनाओं से खेलकर पैसा उसली करते हैं, जबकि इनसे अच्छे अच्छे ट्रिक वाले हैं, लेकिन वो चमत्कार नहीं, कला बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है? जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक और लोगों को पाखंड से बचाते हैं, देश को वैज्ञानिक तर्क और तरक्की पर ले जाने के बजाय एक अंधविश्वास वाले गर्ग में ढकेल रहे हैं लोग।